हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी बहुत बार देखा जा रहा है कि डेंगू के टाइम में जो वॉमिटिंग होती है वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है वॉमिटिंग की, और वॉमिटिंग इंजेक्टेबल्स देने के बाद भी उनके रुकता नहीं है और उससे उनके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके जो सीबीसी का जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, मीन्स आपकी प्लेटलेट्स जो होती है वो भी डाउन होने लगती है, डब्ल्यूबीसी भी डाउन होने लगता है। इसीलिए आपको डेंगू में लॉट ऑफ फ्लूड्स इनटेक करने को बोला जाता है, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वॉमिटिंग और डायरिया अगर होता है तो तुरंत ही उसको कंट्रोल करें और डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि वॉमिटिंग डायरिया भी अगर होना शुरू हो गया तो उससे आपकी बॉडी में और ज़्यादा डिहाइड्रेशन रहेगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी भी डाउन हो सकते हैं। अभी बहुत बार मैंने देखा कि इंजेक्टेबल्स देने के बाद भी पेशेंट्स के अंदर वॉमिटिंग कंटिन्यू रह रहा है। तो वॉमिटिंग को दूर करने के लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। उसमें कारण क्या होता है वॉमिटिंग होने का, कि डेंगू के जो अगर आपने अवॉइड कर दिया डेंगू के कंप्लेंट्स को और डेंगू ने लीवर पे इफेक्ट कर दिया तो आपके वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। अगर ये आप इसके लिए देखने के लिए आप ये देखने के लिए कि कहीं आपका लीवर इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, आप एक LFT लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट में वैल्यूज़ अबनॉर्मल आती है देन आप होम्योपैथिक मेडिसिन चेलिडोनियम मेजस 30 ये ज़रूर कंटिन्यू करें फॉर 4 to 5 days के लिए, 2 times इन अ डे लें। जैसे ही आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे आपकी वॉमिटिंग रुक जाएगी और आपका जो LFT अबनॉर्मल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर सिंगल डोज से भी अगर आपकी वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है देन यू नीड टू कंटिन्यू इट फॉर 3 to 5 days। 3 to 5 days के लिए ये मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी है, बिकॉज चेलिडोनियम मेजर्स जो है वो होम्योपैथी में एज अ लीवर टोनिक बोला जाता है उसको, और बहुत ही अच्छी लीवर मेडिसिन है जो आपके कैसा भी डीजनरेशन हो लीवर का उसमें उसको लीवर में हेल्प करती है, उसको वापस से नॉर्मल बनाती है। अगर आपको इनिशियली सीधा वॉमिटिंग होता है किसी को, और कईयों को ऐसा लगता है कि नोजिया टाइप फीलिंग होती है एंड दे आर लाइक कि हमें उल्टी जैसा फील होता है बट उल्टी नहीं हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन लग है तो आप आईपीकॉक 30 दे सकते हैं। ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ये जो नोजिया इंड्यूसिंग वॉमिटिंग है जिसमें आपको जीदोरा होता है और उल्टी जैसा लगता है बट उल्टी नहीं होती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं अगर ये चीज लगती है। IPCOQ-30 जो है वो आपके न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है उस पर इफेक्ट करती है, और जिससे जो आपकी ये फीलिंग है कि नोजिया हो रहा है यानी जिदोरा हो रहा है और उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है बट उल्टी नहीं हो रही है, इसको एकदम अच्छे से ट्रीट कर देती है, बिकॉज IPCOQ-30 का जो इफेक्ट है वो आपकी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे करती है। वॉमिटिंग की वजह से जो आपको डिहाइड्रेशन होगा वो आपके लिए आगे क्रिटिकल हो सकता है अगर आपको डेंगू है तो, और इन जनरल भी अगर आपको ये कंप्लेंट्स रहती है आप ये मेडिसिंस ले सकते हैं। दीज आर द प्राइमरी मेडिसिंस और इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ दिस वॉमिटिंग। अगर इसके बाद भी आपको कंटिन्यू रहता है देन यू नीड टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर्स, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। अगर आपके आसपास भी कोई डेंगू का पेशेंट है तो उन्हें भी ज़रूर बताइएगा मेरे इस वीडियो के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करिएगा जिससे उनको इसकी हेल्प रहे, क्योंकि अभी बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डेंगू है और उनकी वॉमिटिंग की वजह से प्लेटलेट्स डाउन होते जा रहे हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है उनकी सिचुएशन। तो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। मैंने अपना पहला इससे पहले का वीडियो भी बनाया है जिसमें डेंगू का ट्रीटमेंट बताया है, वो यूपिटोरियम पफ करके जो मेडिसिन है वो भी आप कंटिन्यू जैसे ही आपको डायग्नोज होता है डेंगू आप वो ले सकते हैं।
एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन आप साथ के साथ भी ले सकते हैं, मींस अगर दोनों ही ट्रीटमेंट आप एक साथ चलाएंगे, एक एट अ टाइम चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको 30 मिनट्स का गैप रखना है। होम्योपैथिक मेडिसिन में बस ये ध्यान रखना है कि कुछ भी खाने पीने से 30 मिनट पहले या बाद में लेना है आपको, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब आपको दिया गया उससे भी कुछ गैप रखें 30-1 मिनट का, बस ये एक आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज इसमें साथ में जैसे आपने ड्रिप चल रहा है आपके, कोई NS चल रही है या आपके कोई एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, आप ये साथ में ले सकते हैं, इट इज़ अ सेफ टू यूज़, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इवन आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। यूपिटोरियम पफ आपको जैसे ही डेंगू डायग्नोस्ड होता है उसके साथ ले लीजिए, उससे आपके प्लेटलेट्स में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जो डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस हैं मीन्स फोर्थ डे रैशेज आना उसके बाद अगर आपने अवॉइड किया तो कई बार ये हेमरेजिक भी हो जाता है, तो ये सब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और अभी डेंगू के जो सिम्टम्स भी हैं वो काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं, तो आप अगर आपको फीवर हो रहा है, बॉडी एक है, हेड एक है, और अदर सिम्टम भी है, कुछ भी ऐसा है, देन यू कैन गो फॉर द CBC टेस्ट। जब आप CBC करवाते हैं तो उसमें ज़रूर देखिए प्लेटलेट और WBC काउंट क्या है, और डेंगू NS1 करवाएंगे तो उसमें डेंगू की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट आपको मिल ही जाएगी। बट प्लीज़ बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज डेंगू भी अभी डेंजरस हो गया है। एंड प्लीज़ आपको इस दवाई को जब आप लेते हैं, आप ये वीडियो किसी को भी जो आसपास में आपके डेंगू पेशेंट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं, उन पेशेंट्स को भी अगर कोई भी ऐसे मुझसे जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मेरे सभी कमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन है, जैसे ही आप मुझे कमेंट करेंगे आई विल गेट द नोटिफिकेशन एंड आई विल रिवर्ट बैक टू दैट नोटिफिकेशन, आपको तुरंत ही मैं उस नोटिफिकेशन पे रिप्लाई करूंगी। अगर आप में इस मेडिसिन को समझने में लेने में कोई भी किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से डेंगू से रिलेटेड या किसी भी अदर मेडिसिन से रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड कोई राय चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर अबाउट सेक्शन के अंदर है। आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, मैं चाहूँगी शेयर तो ज़रूर ही कीजिए, अगर आपके आसपास फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, ताकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले एंड दे विल गेट इट टू फॉर देयर बेटरमेंट, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है एंड इट विल बी वेरी गुड इफेक्टिव मेडिसिन, ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको डेंगू के कॉम्प्लिकेशन को रोक सकती है, क्योंकि आप देखेंगे इंजेक्टेबल्स देने के बाद भी आपकी वॉमिटिंग नहीं रुकती है, आपको NS देना होता है, पेशेंट्स महीने महीने 15-15 दिन सफ़र कर रहे होते हैं, बट इट दीज मेडिसिन ऑल्सो रिड्यूस योर कॉम्प्लिकेशन, योर डेज ऑफ डिजीज़ बहुत अच्छा इफेक्ट कर। डेंगू पे मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ बनाए हैं, मलेरिया एंड डेंगू हाउ दे डिफरेंट एंड हाउ टू ट्रीट, और दूसरा मैंने वीडियो बनाया डेंगू उसकी ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड सेल्फ ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों ही वीडियोस का डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप ज़रूर जाके वो वीडियोस भी देखें ताकि आपको क्लियरिटी मिले कि मलेरिया डेंगू में क्या डिफरेंस है और डेंगू को किस तरीके से आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है पॉसिबल तो किस तरीके से डेंगू और उसके कॉम्प्लिकेशंस को आप ट्रीट कर सकते हैं, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर जाके देखें, उनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे जो चैनल का नोटिफिकेशन बटन है सब्सक्रिप्शन के पास एक बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर ऑन करके रखिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई बार आप सब्सक्राइब करते हैं बट वो बेल बटन आइकन को ऑन नहीं करते हैं, जिससे कि आपको मेरे अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो आप प्लीज़ उसे ऑन करके रखिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी टाइमली मिले। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और आपको किस आगे मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, आप ज़रूर ये सब कीजिएगा। इट ऑल्सो हेल्प मी टू मेक अ गुड वीडियोज़ एंड द वीडियोज़ विच हेल्प्स यू।
तो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।